सुबह सुबह राहुल गांधी ने हिमाचल में मचाया भयंकर गदर। भीड़ देखकर बौखला उठे मोदी और शाह। जी आपको चले कि हिमाचल में यात्रा घुसते ही राहुल के स्वागत में उमड़ पड़ा पूरा हिमाचल। बताई चले कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को सड़कों पर जनमानस का समर्थन मिल रहा है, इससे तो यह साफ हो गया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कुछ न कुछ नया करिश्मा जरूर करने वाले। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों देश भर में काफी सुर्खियां बटोर रही है। अभी कुछ ही दिनों में यात्रा जम्मू कश्मीर के पड़ाव की तरफ कुछ करने वाली है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचने से पहले हिमाचल में यात्रा घुसी, उसके बाद से लगातार वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए करीब 25 किलोमीटर पैदल पद यात्रा की और लगातार वहां की जनता को जोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल की जनता ने इस बार जब कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया और जिसके बाद से कांग्रेस की सरकार हिमाचल में 5 वर्षों के बाद बनी है, वही कांग्रेस खेमा काफी ज्यादा गदगद और खुश भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, उसके बाद से लगातार राहुल गांधी एक दिन भी कहीं नहीं रुके और लगातार 25 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल पद यात्रा करते हुए अब हिमाचल में कदम रख चुके और यात्रा कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के स्वागत में हिमाचल की जनता उमड़ पड़े है और लगातार राहुल गांधी की एक झलक पाने को लेकर यहां पर लोग बेताब नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।